अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे। आप सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी दोपहर का टाइम है और आज संडे है, सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, तो बस जो ऊपर ऊपर का काम था वो तो सारा हो चुका है मेरा। अब मुझे खाना बनाना है, नहाकर अभी आई हूँ मैं थोड़ी देर पहले ही। तो खाने में समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ, क्योंकि आज घर में कोई सब्जी नहीं है हमारे यहाँ, और वैसे संडे वाले दिन हमारे यहाँ नॉनवेज बनता है, लेकिन वो शाम के टाइम बनाती हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि सुबह तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ काम में, तो सुबह टाइम नहीं मिलता। सुबह तो मैं कुछ भी हल्का फुल्का कोई भी सब्ज़ी बना लेती हूँ, लेकिन आज तो सब्ज़ी ही नहीं है। अब इनसे पूछूँगी कि क्या बनाऊँ, पहले बच्चों से पूछूँगी तो बच्चे कह देंगे मम्मी पापा से पूछो, इनसे पूछूंगी तो ये कह देंगे बच्चों से पूछो, बस ऐसे ही चलता रहता है। और फिर जब ये कोई नहीं बताते ना कि क्या बनाना है, तो फिर बस मैं अपने मन की चलाती हूँ और मुझे जो दिखता है फिर वो ही बना लेती हूँ मैं। अब देखते हैं आज क्या बनाते हैं, पहले इनसे पूछूंगी उसके बाद डिसाइड होगा। तो अभी तक तो देखिए डिसाइड नहीं हुआ कि क्या बनाना है, तो सुबह से बिल्कुल बिजी थी मैं काम में, और संडे वाला दिन ऐसे ही रहता है। और आप लोगों को संडे को मेरा कोई ब्लॉग नहीं मिलता, संडे को मैं ब्लॉग की छुट्टी रखती हूँ बिल्कुल, जैसे स्कूल की छुट्टी रहती है ना मेरे, उसी तरीके से ब्लॉग की भी मैं छुट्टी रखती हूँ फुल, क्योंकि बिजी दिन रहता है और सब लोग घर पर ही रहते हैं। फिर हस्बैंड की भी छुट्टी रहती है शॉप की, और बच्चे तो कब से घर पर ही हैं खैर, लेकिन सब लोग साथ साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो चुका है, और ब्लॉग को आप लोगों को फुल वॉच करना है। बीच में एक कमेंट आया था कि आप कैसे टीचर की तरह समझाती हैं कि ब्लॉग को आप लोगों को फुल वॉच करना है, तो आप टीचर ही समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आपको फुल वॉच करना है ब्लॉग को, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना। और देखिए हम शिकायतें जो करते हैं, शिकायत जो रहती है वो हमारे अपनों से ही रहती है, कर सकते हैं इतना हक तो हम रखते हैं कि अपनों से थोड़ी सी शिकायत कर सकें। तो बस देखते रहिए ब्लॉग को, फुल एंजॉय कीजिए, और आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए आज मैंने बनाई है सिंपल सी सब्ज़ी, प्याज टमाटर और हरी मिर्ची की। कई बार घर में मेरे सब्ज़ी नहीं रहती तो फिर ये सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी है, ज़रा सी देर में बनकर तैयार हो जाती है। और आप लोग भी बनाते होंगे कई बार, और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं स्कूल के टाइम भी, जैसे स्कूल मुझे जाना है और कोई सब्ज़ी नहीं रहती, तो जल्दी से ये वाली जो प्याज टमाटर और हरी मिर्ची वाली सब्ज़ी है ना बना कर ले जाती हूँ, और सच में बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है, और आज का जो हमारा खाना है बिल्कुल सिंपल सा खाना है, प्याज टमाटर हरी मिर्च की सब्ज़ी है, और साथ में ये सैलेड है टमाटर और खीरे का, और रोटी है। आ जाइए आप लोग भी हम लोगों के साथ खाना खा लीजिए। तो सैलेड तो मैं बच्चों को रोज़ देती हूँ, कई बार मेरे पास टमाटर नहीं रहते, खीरा नहीं रहता, तो कोई बात नहीं, मैं प्याज ही काट कर दे देती हूँ बच्चों को, लेकिन देती ज़रूर हूँ। तो चलिए अब मैं बच्चों को ये खाना देकर आती हूँ, चलो खाना खा लो दोनों, चलो अली। ये खाने के टाइम पर देखो ये मूँगफली लेकर बैठ गया अली, मूँगफली बाद में खा लेते ना बेटा, उस दिन रिदा भी ऐसी बैठ गई थी मूँगफली लेकर। चलो खाना खा लो पहले, मूंगफली बाद में खाया करो रात में, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो दोनों की दोनों ही। अभी मैं रिदा के बालों में ऑयल डाल रही हूँ, रिदा की मालिश कर रही हूँ बालों की अच्छे से, और कुछ दिन ही हुए हैं अभी मुझे इस ऑयल को मंगाए हुए, और काफ़ी अच्छा है ये ऑयल, काफ़ी अच्छे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं जब से मैंने रिदा के बालों में ये ऑयल डालना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं आप लोगों को इस ऑयल के बारे में बताऊंगी, पहले मालिश कर दूं, और मालिश करते करते कई बार तो हमारी रिदा को नींद आने लगती है कि मम्मी आप बहुत अच्छी मालिश करती हो मेरे बालों में, तो हम माँ बेटी एक दूसरे के बालों में इसी तरह से मालिश कर देते हैं, वो मेरे बालों में कर देती है और मैं रिदा के बालों में कर देती हूँ। चलिए अब मैं आप लोगों को इस ऑयल के बारे में बता देती हूँ। ये है मामार्थ का ऑनियन हेयर ऑयल विथ रिडेंसिल, और ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, बालों को झड़ने से रोकता है, बालों की अच्छे से इससे ग्रोथ होती है, और प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। तो ये ऑयल मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, और काफ़ी टाइम से वो इस ऑयल को यूज़ कर रही है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिदा के लिए मंगाऊँ।
तो मैंने रिदा के बालों में भी अप्लाई किया और मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि रिदा के बालों में डेंड्रफ हो रही थी, तो काफ़ी हद तक अब रिदा के बालों में डेंड्रफ नहीं है, ख़त्म हो गई है और अब कुछ टाइम से मैं भी अपने बालों में इस ऑयल को अप्लाई कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा ऑयल है ये, बहुत ही बढ़िया ऑयल है। ये ऑयल मुझे इसलिए भी पसंद आया है क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, इंडिया का ब्रांड है। ये देखिए, ये है इसकी बोतल और इसके साथ आया है ये कॉम्ब एप्लीकेटर। तो ये कॉम्ब एप्लीकेटर बड़े काम का है, इससे बालों की जड़ों में अच्छे से तेल आसानी से पहुंच जाता है। और इस तेल का एक फ़ायदा और है कि हम इसे ज़रा सा बालों में लगाएं और अच्छे से ये पूरे बालों में फैल जाता है। और इसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस ऑयल को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सभी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजोन, पर्पल, नायका पर भी अवेलेबल है और मामार्थ की वेबसाइट पर तो ये आपको मिलेगा ही सही। और वैसे भी मामार्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है मामार्थ के प्रोडक्ट्स। अगर आप स्क्रीन पर चल रहे कूपन कोड से इसे परचेस करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो स्क्रीन पर चल रहा कूपन कोड नंबर मेरा है साइना 123, वहाँ पर भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो आज ही मंगाइए इस ऑयल को, बहुत ही अच्छा ऑयल है ये, मुझे तो सच में बहुत पसंद आया और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और अभी हमारी तैयारी चल रही है बाहर जाने की, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ हम लोगों को कहाँ जाना है। अभी सुबह सुबह हमारी कॉलोनी में से ही फ़ोन आया था, आज कुंडों की न्याज है, हमारे पड़ोसी हैं यार, थोड़ी दूर की ही हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया था कि कुंडों की न्याज है, तो अभी हमें वहाँ पर जाना है कुंडे खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद उनको भी कहीं बाहर जाना था, तो वो तो बाहर निकल चुके हैं, अब रात तक लौटेंगे। और मैं यहाँ पर रिदा की हेयर स्टाइल बना रही हूँ, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, रिदा भी तैयार है, बस हेयर स्टाइल बनानी है रिदा की। तो आज तो रिदा ने मेरा पीछा ले लिया, जिद करने लगी कि मम्मी मेरी हेयर स्टाइल आप बनाओ। अब मुझे तो देखिए हेयर स्टाइल बनानी नहीं आती, सिंपल सोवर छोटी कर लेती हूँ मैं, लेकिन आज थोड़ी सी कोशिश की है मैंने। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस थोड़ी सी मैंने कोशिश की है, देख लेते हैं इसका मन समझाने के लिए कि चलो मन बहल जाएगा रिदा का थोड़ा सा। अच्छा लगता है, देखिए हमारे बच्चे कई बार हमसे डिमांड करते हैं कि मम्मी ऐसा काम करो, मम्मी हमारे लिए ये बनाओ वो बनाओ, तो हम अपने बच्चों की खुशी के लिए हर माँ बाप करते हैं, कौन सा माँ बाप है नहीं करता, सभी करते हैं ना। तो बस रिदा का मैंने दिल रखने के लिए मैंने सोचा बना देती हूँ मैं रिदा की हेयर स्टाइल जैसी भी बनेगी, तो बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, बना रही हूँ, आप लोग देख लीजिए कि कैसी बना रही हूँ मैं रिदा की हेयर स्टाइल। और बन जाए, बनने के बाद मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, वैसे मुझे आती नहीं है हेयर स्टाइल, तो आप लोग देख लीजिए। और बस अभी हम थोड़ी देर से निकलेंगे, कुंडे की न्याज है तो वहाँ कुंडे खाने के लिए जाएंगे। और बस अब मैं आ चुकी हूँ इनके यहाँ पर, हमारे जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ, तो आकर देखा तो मैंने चिप्स बना रही थी वो, तो मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी कि आज 6 किलो आलू लेके आए थे, तो 6 किलो आलू के चिप्स बनाने लगी, दोनों की दोनों मिलकर सास बहू हैं तो रही बना रही थी, तो माशाल्लाह बन चुके हैं उनके चिप्स। और कुंडों की न्याज देखिए कई घरों में 22 तारीख को होती है, वैसे कुंडों का महीना तो स्टार्ट हो चुका है लेकिन अपने ऊपर है, कोई कभी दिलाता है कोई कभी दिलाते हैं न्याज, तो इनके यहाँ हमेशा पहले ही हो जाती है, तो हर बार पहले ही करती हैं ये। और हमारी कॉलोनी में जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि 3-4 ही मोमडन फैमिलीज़ हैं, तो मतलब कोई भी त्यौहार हो तो त्यौहार मनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, चाहे ईद हो चाहे शब-ए-बारात हो,
बस त्यौहार हमारा ऐसे ही फीका फीका सा गुजरता है, क्योंकि हम सब लोग तीन चार ही तो मॉडर्न फैमिलीज हैं, फिर सब लोग इकट्ठे भी नहीं होते, सब अपने अपने घरों में मना लेते हैं। इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं त्यौहार मनाने के लिए, फिर बचा कौन, बस ऐसे ही रहता है। तो फिर मज़ा भी नहीं आता त्यौहार मनाने का, ना रोज़ों का पता चलता, ना ईद का पता, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि त्यौहार है। त्यौहार के टाइम पर हमें जो खुशी होती है ना अंदर से, वो खुशी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि कॉलोनी ऐसी ही है। अब आप लोगों को तो पता है, पहले भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। तो बस अब हम लोग यहीं पर बैठे हैं और अभी बस थोड़ी देर से कुंडों की टिकिया खाएंगे, और आप लोग भी आ जाइए हम लोगों के साथ कुंडों की टिकिया खाने के लिए। नहीं, अपन सूजी उजी ज्यादा डाल देते हैं ना इसमें तो बिखरने लगते हैं। सूजी नहीं तो, ज्यादा है इसमें, 1 किलो सूजी डाल देती है। सूजी कम डाला करो आप, है? सूजी ज्यादा डालते हैं ना, सूजी दिख रही है उसमें। मैंने भी कल ये कहा था, सूजी ज्यादा, सूजी कम डाला करो, सूजी से बिखरते हैं। या फीस भाई है ना, इनके यहाँ गए थे हम उस दिन, उन्होंने भी सूजी ज्यादा डाली थी, वो कह रही थी कि वो बिखर गए। मैंने सूजी कम डाला करो, घी ज्यादा डाला करो आप इनमें, घी तो डालते हैं ना। अली अभी तो मैंने टीवी बंद करवाई है, अब लैपटॉप स्टार्ट कर लिया आपने, क्या हो गया? चलो बंद करो, संडे है तो क्या है, पढ़ाई का टाइम हो गया ना। रोज मंडे से सैटरडे पढ़ाई तो करते हैं, और क्या करते हैं, कभी कभी देख लेते टीवी या संडे। तो संडे वाले दिन भी टाइम टेबल रहता है ना, अब तो पढ़ाई कर लो थोड़ी सी है। ये थोड़ी है कि संडे का मतलब कि पूरे दिन ही टीवी देखनी है या लैपटॉप देखना है, चलो पढ़ाई करो जल्दी से। रिदा ने तो कर ली थी, चलो ठीक है बंद करो इसे जल्दी से, थोड़ा टाइम पढ़ाई को भी देना चाहिए। कर दिया बंद, कर दो जल्दी करो। अभी बस शाम का टाइम है और मैं पौधों में पानी दे रही हूँ, कभी सुबह दे देती हूँ कभी शाम को दे देती हूँ। तो बच्चों का मन हो रहा है खीर खाने का, और मेरे घर में दूध भी इकट्ठा हो रहा है, और जब भी दूध इकट्ठा होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं खीर बना लूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर से अंदर जाऊँगी और खीर बनाने के लिए चढ़ा दूँगी। और खीर मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है, और अभी जब कुंडों की न्याज दिलाऊँगी तब भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ खीर शेयर करूँगी। तो अभी अभी खा कर आए तो कहने लगे मम्मी आप बना दो, मैंने कहा दूध इकट्ठा हो रहा है चलो अभी बना देते हैं, थोड़ी देर से बनाएंगे। पहले मेरे एक दो काम और थे वो मुझे निपटाने थे, तो एक तो ये मुझे मिर्ची हैं इनके डंठल तोड़ कर रखने थे। अगर मैं डंठल तोड़ कर नहीं रखती तो अंदर की अंदर फ्रिज में है ना पूरी मिर्ची सड़ सी जाती हैं, गल जाती हैं आराम से, बहुत सारी मिर्चियाँ ख़राब हो जाती हैं और मुझे फिर फेंकनी पड़ती हैं, ऐसा हो जाता है कई बार। मतलब मैं तोड़ के नहीं रखती ना, ऐसे ही रख देती हूँ मिर्ची को, ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार तोड़ कर ही रखूँ, कई बार ऐसे ही रख देती हूँ मैं, फिर ऐसे ही होता है। तो अभी अली का वापस टीवी देखने का टाइम आ गया है, और ये देखिए अली टीवी देख रहा है। थोड़ी देर उसने पढ़ाई की मेरे समझाने पर, बस उसके बाद मम्मी मेरी एक अच्छी सी फिल्म आ रही है बच्चों वाली वो देखने दो, और ओडी टिंकल और स्नोवी को यहीं पर बैठा के रखता है। तो चलिए अब मैं किचन में जाती हूँ और खीर चढ़ा देती हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई, अरे हमारे दूध बच रहा था तो मैंने सोचा बच्चों को खीर बना दूं दूध की, तो वो खीर बनाने लगी, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। हाँ तो खीर बनाने लगी, तो भगोने में रख दी खीर बनने के लिए, और फिर मेरी आदत है उसको चलाती रहती हूँ मैं खीर को, ताकि वो नीचे ना लग जाए। तो फिर उसके बाद वो पिलाई है ना, किचन में जो पिलाई लग रही है हमारी, तो वो पिलाई है ना भगोने से टकराई, फिर भगोना मेरे से मतलब मेरे पेट पर आकर वो भगोना गिरा, मतलब भगोना उस पर पट्टी पे ही रह गया, लेकिन वो खीर है ना गरम गरम। हाँ वो जल्दी से वो मैं एकदम से चीखी, मैंने कि ये क्या हो गया भैया, तो मैं जल्दी से दौड़ के फिर मैं बाथरूम में गई जल्दी से, और गीला पानी डाला अपने ऊपर। हाँ वो तो अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जली, मैं तो मतलब थोड़ी बहुत जल गई, लेकिन बहुत ज़्यादा हो सकता था, कुछ भी पेट जल जाता, हाथ पैर पूरे जल जाते, पूरी की पूरी गर्म खीर मेरे ऊपर गिरी एकदम से। हाँ वो छींटे पड़ गए ना पेट पे, जली हूँ पेट पर आई है वो ज़्यादा, पेड़ तो एकदम से मैंने पीछे सरका लिए थे कि भगोना पूरा नहीं आया उतर, लेकिन वो खीर आ गई ना, वो आ गई मेरे ऊपर पेड़ पर। हाँ ट्यूब लगा लिया ना, ट्यूब तो रखा था जलने का, तो वही लगाया अभी तो।
हाँ जलन होती है, बहुत बुरी होती है जलन ही जलन, लेकिन वो तो पूरी की पूरी सब ना अगर पूरी की पूरी गिर जाती तो पता नहीं क्या होता फिर तो मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। पूरी की पूरी खीर रहना एकदम से गर्म पूरी आती तो जलना तो कितना बुरा रहता है ना। हाँ वो तो मैं जल्दी से है ना, वो तो मैं जल्दी से बाथरूम में गई। बाथरूम में जाने के बाद फिर मैंने ना जल्दी से ठंडा पानी डाला अपने ऊपर पूरा, लेकिन वो जलन एकदम से वो तो पड़ते नहीं है ना, वो पकोले वगैरह तो एकदम से नहीं होते, पूरे कपड़े बदले दूसरे। हाँ बाद में होते हैं वो तो ये हाथ पैर बच गए वो तो शुक्र है। और वो कुर्ता भी वो आपस्तीन वाला पहन रखा था, वो तो हाथों पे नहीं आई, पूरे हाथ है ना पूरे ऐसे हो जाते हैं बेकार। हाँ वो तो एकदम से मैं गरम गरम पड़ी ना तो मैं चीखी एकदम से चिल्लाई मैंने कि ये क्या हो गया एकदम से, नहीं कैसे क्या हो गया अपन को पता नहीं रहता। कई बार अपन किचन में काम करते हैं कि ऐसा हादसा भी हो जाएगा अपने साथ ना। बच्चे बच्चे आ गए रिदा ने पूरी खीर साफ की, पूरी ना वो गैस की जो पट्टी वट्टी है ना सब साफ की, भगोनी में इतनी सी खीर बची बस वो भी है ना। रिदा को गुस्सा आई जो बाहर फेंक दी उसने, हाँ कि हमारी मम्मी जल गई। हाँ वो कहते हैं ना जान माल का सदका निकाल देना, तो अपन हाँ वैसे तो मैं देती रहती हूँ जान माल का सदका किसी को भी, लेकिन तो कल तो सच में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, अल्लाह ताला ने बचा लिया। और देखिए आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, नहीं तो अगर मैं ज़्यादा जल जाती ना तो पता नहीं बचती भी कि नहीं बचती। और ये मैं अभी बात अपनी बहन शबनम से ही कर रही थी तो पूरी बात उसको बता रही थी और उसको भी बहुत अफसोस हो रहा था। और आज सुबह की बात मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी मम्मी ख्वाब में दिखी तो मेरी मम्मी फूट फूट कर रो रही थी। और जब भी देखिए मतलब मैं किसी परेशानी में होती हूँ ना तो मेरी मम्मी मुझे ख्वाब में ज़रूर दिखती हैं, भले ही वो इस दुनिया से चली गई हों लेकिन मुझे फिर भी ऐसा ही लगता है कि वो मेरे आस पास है, मतलब हर दुख में हर परेशानी में वो मेरे साथ रहती हैं। अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और कल 28 फरवरी थी, कल नाज़मा फरियाद अली जी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो आपको मेरी तरफ़ से वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी और आपके हस्बैंड की जोड़ी हमेशा इसी तरह से सलामत रखे, आप दोनों को एक दूसरे का लंबा साथ मिले। और इसके अलावा जिनकी जो भी दुआएं हैं, जैसे रोज़ी खान है, मुश्ताक शेख है, रुबीना मोहम्मद है, शगुफ्ता नाज है और री अंसारी नाम से आईडी है, तो आप सब लोगों के लिए भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी अपनी हर नमाज़ में। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपकी जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करें। और इसी के साथ आज के इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए, हम सभी को दुआ में याद रखिए। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।